हेलो दोस्तों, मैं हूँ आशीष। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पिक्सल एक्सपीरियंस जो कि एंड्रो 9.0 पाई पर बेस्ड है। तो दोस्तों इस रोम का मैं आपको एक शॉर्ट रिव्यू और एक इंस्टॉलेशन बताऊंगा आज की इस वीडियो में। और दोस्तों आप इस रोम को इंस्टॉल कर सकते हो अपने रेडमी नोट 4 में। ये चीज़ आपने वीडियो के टाइटल में पढ़ ली होगी। तो दोस्तों अब मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ गूगल कैमरे के बारे में। तो दोस्तों गूगल कैमरा यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। दोस्तों मैं यहाँ पर गूगल कैमरा का जो 7.0 वाला वर्जन आया है मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ इस फ़ोन में, और इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है। सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही हैं, बस स्लोमो और जो टाइम लैप्स है वो कभी कभी क्रैश हो जाता है। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही हैं। नोटिफिकेशन पैनल में आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से देखने को मिलेंगी, कोई भी दिक्कत आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। तो दोस्तों पिक्सल एक्सपीरियंस की जो रोम है एंड्रॉइड 9.0 पाई पर बेस्ड है, और ये एक ऑफिशियल रोम है जो कि आपको पिक्सल एक्सपीरियंस की साइट पर मिल जाएगी। उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर इस रोम को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों हो सकता है कि आपको इस फ़ोन में लेटेस्ट फर्मवेयर को भी इंस्टॉल करना पड़े, तो फिर मैं आपको उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर रेडमी नोट 4 को सिलेक्ट करके फर्मवेयर को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो। तो दोस्तों इस रोम को इंस्टॉल करने के लिए हो सकता है कि आपको लेटेस्ट फर्मवेयर की ज़रूरत पड़े। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि सारी चीज़ें आपको यहाँ पर ठीक से मिल जाएंगी, इसमें कोई भी बग मुझे देखने को नहीं मिला है। मैं खुद इस रोम को ऐसा डेली ड्राइवर यूज़ कर रहा हूँ। आपको यहाँ पर गेस्चर भी देखने को मिल जाएंगे जो कि एंड्रॉइड 9.0 पाई का गेस्चर था। और दोस्तों ये जो रोम है ये एक पिक्सल एक्सपीरियंस प्लस रोम है, मतलब कि आपको इस रोम में सारे कस्टमाइजेशंस देखने को मिलेंगे, और आपको अलग से गूगल के जी एप्स को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो इसमें पहले से ही आपको डले हुए मिल जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों आपको सिस्टम के अंदर जो स्टेटस बार का ऑप्शन है उसमें आपको बहुत सारे कस्टमाइजेशंस देखने को मिलेंगे, और यहाँ पर आप बटन को भी कस्टमाइज़ कर सकते हो, मतलब आप बटन को इन्वर्ट कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो फिर पुराने बटन्स को लगाकर उनको भी इन्वर्ट करके यूज़ कर सकते हो, जैसे कि हम पुराने एंड्रॉयड वर्जन में किया करते थे। आपको दोस्तों यहाँ पर सितंबर का सिक्योरिटी पैच देखने को मिल जाता है। अक्टूबर बिल्ड वाली रोम अभी नहीं आई है, वो आएगी तो मैं उसका भी वीडियो बनाकर आपको दिखा दूंगा। तो दोस्तों यहाँ पर फिंगरप्रिंट स्कैनर भी बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ इंस्टॉलेशन के बारे में। तो दोस्तों आपको सबसे पहले TWRP में जाना है, वाइप कर देना है, उसके बाद आपको इंस्टॉल में जाकर सिलेक्ट करना है रोम को। और अगर आपकी रोम इंस्टॉल नहीं हो रही है तो फिर आप रोम को सिलेक्ट करने की बजाय लेटेस्ट फर्मवेयर को सिलेक्ट करके इंस्टॉल कर देंगे, उसके बाद आप रोम को इंस्टॉल कर लेंगे। इतना करने के बाद तो दोस्तों जब आपकी रोम इंस्टॉल हो जाएगी तब आप दोस्तों रीबूट कर देंगे। और दोस्तों मैंने थोड़ा वीडियो को आगे बढ़ा दिया है, थोड़ा सा टाइम काटने के लिए मैंने वीडियो को आगे बढ़ा दिया है, लेकिन दोस्तों ये तकरीबन 10 से 15 मिनट लेगा फर्स्ट बूट में, उसके बाद दोस्तों सक्सेसफुली आपकी रोम इंस्टॉल हो जाएगी। और दोस्तों इस रोम में VoLTE भी बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है, आपको जियो के साथ कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन एयरटेल और आइडिया के बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता। तो ठीक है दोस्तों आज की वीडियो में इतना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भी ऐसी वीडियोज़ के लिए। और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। बाय।